और आप देख रहे हैं पल पल। इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव की धूम है। पहले चरण में मतदान 12 अप्रैल को होगा, वहीं अंतिम सातवें चरण के लिए मतदान 19 मई को होगा। 23 मई को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। वह जो दल जीतेगा उसका नेता प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि जहां देश के अंदर अब तक 14 प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं एक प्रधानमंत्री ऐसा भी बना है जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, मगर वे कभी भी नेता नहीं चुने गए थे। आज हम आपको बता रहे हैं कि कौन थे वो। गुलजारी लाल नंदा, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतिम समय तक गुलजारी लाल नंदा को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं 9 जून 1964 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल नंदा को दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया तथा वे 24 जनवरी 1966 तक दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।